तक राज देवी न्यूज चैनल के सभी न्यूज आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, इसके लिए आप लोग लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को जरूर दबाएं। रोहतक से बहुत बड़ा खबर आ रहा है, जो ट्रेन में लगी है आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। यहाँ पे आप देख सकते हैं, रोहतक स्टेशन पे जब ट्रेन आ रहा था उसी दौरान ट्रेन में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, उसकी वजह से ट्रेन में लगी आग। इसमें किसी का जान जाने की खबर नहीं आ रहा है, इसमें सिर्फ बोगी जलने की खबर आ रहा है और इंजन जलने की खबर आ रहा है। आप देख सकते हैं पूरी बुरी तरह से जलने के चालू हो गया है और इंजन से लगी आग अब तो आगे तक जाने के लिए बेकाबू हो रहा है। आग देख सकते हैं पूरी तरह से जल रहा है। बगल में एक इंजन के डब्बा पड़ा हुआ है जो खींच के दूसरे ट्रेन के जरिए इनको ले जाया जा रहा है और इनको बचाने के प्रयास किया जा रहा है। अभी जस्ट इनको ज्वाइन कर लिया गया है और अभी इनको हटा दिया जाएगा, इनको कोई जान पे जोखिम नहीं आएगा। और साइड में है, अभी हटा दिया जा रहा है। और जो इंजन आ रहा था और बोगी लेकर के आ रहा था ट्रेन का, वो पूरी तरह से जल चुका है। यहाँ पे फायर ब्रिगेड का भी सुविधा अभी नहीं अवेलेबल हुआ है, थोड़ी देर में फायर ब्रिगेड भी आ जाएगा। फिलहाल अभी आप देख रहे हैं रोहतक से एन्यूज। इंजन से लगी आग बोगी तक पहुँचा, बुरी तरह से सीट और दरवाजे सभी जलना चालू हो गया है। अब देख सकते हैं तीसरा बोगी तक वो पहुँच चुका है आग, और जलते हुए पीछे की ओर बढ़ते हुए बुरी तरह से जल रहा है। अभी इंजन में भी पूरी तरह से आग पकड़ लिया है। अभी फायर ब्रिगेड आ चुका है और अभी थोड़ा पानी मारने के चालू हो रहा है। अब देख सकते हैं बुरी तरह से जल रहा है, ये फायर ब्रिगेड का गाड़ी आ गया है, अभी जलना चालू हो गया है। देखिए बुरी तरह से जल रहा है और यहाँ पर किसी का जान जाने की खबर अभी तक नहीं आया है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से बुरी तरह से जलना चालू हो गया था। इंडिया तक राजदेवी न्यूज़ से आप समाचार देख रहे हैं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा। कोई भी खबर, कोई भी विज्ञापन आपके पास आता है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9867969074 और आप मुझे खबर भी पहुंचा सकते हैं। कहीं भी कुछ भी दुर्घटना एवं कुछ भी होता है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। देख सकते हैं पूरी तरह से जलना चालू हो गया है, फायर ब्रिगेड से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, बुरी तरह से जल रहा है। आप पूरा वीडियो देखिए और समझिए कैसे लगा आग, भारी हादसा होने से बचा। अब बुरी तरह से जलना चालू हो गया है, फायर ब्रिगेड से पानी मारा जा रहा है लेकिन इससे भी काबू नहीं होते हुए दिख रहा है, पूरी तरह से जल रहा है। बहुत देर के बाद, बड़ी मशक्कत के बाद आधा बोगी को बचाया गया। देख सकते हैं अभी भी जलना ही चालू है और कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है, बुरी तरह से जल रहा है। यहाँ पे किसी का जान जाने की खबर नहीं आ रहा है अभी तक।